फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह पेड़ों के पास क्यों बैठ गई हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी। अक्षय तृतीया है तो बहुत ही काम है, तो मैंने पहले पौधों को पानी भी दे दिया है और एकदम फ्रेश लग रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं बैठ लेती हूँ बालकनी में, अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो अभी पूजा भी हो गई है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, दून के पापा भी ऑफिस चले गए हैं, दून भी अपना कुछ काम कर रही है, तो खाने बनाने का वक्त भी हो गया है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से खाना भी बना देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पापड़ और कूड़ाया फ्राई कर रही हूँ। आज मैं महाराष्ट्र की स्पेशल पारंपरिक थाली बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अक्षय तृतीया पर हमारे यहाँ मोस्टली यही पकवान बनते हैं। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया में बहुत बहुत कुछ होता है, मतलब कि जैसे 12 जो बैलगाड़ी है उसकी भी कुछ रेस होती है, ऐसा कुछ मैंने सब मम्मी से सुना था, देखा तो नहीं है, लेकिन फिर जब जो जेंट्स होते हैं वो ताश खेलते हैं और लड़कियाँ जो शादी की हुई होती है वो अपने मायके जाती है इस दिन, इसलिए इसका बहुत ही मतलब ज़्यादा ही कुछ महत्व है। और अभी मैं बना रही हूँ भजिए, बना रही हूँ गर्मा गर्म आमटी के साथ खाने के लिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो आमटी के साथ। लेकिन इस बार तो मैं मम्मी के वहाँ गई नहीं हूँ, सब जाते हैं लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाई। फिर गांव में मतलब सब औरतें गांव के बाहर पेड़ के नीचे झूला झूलती है, ऐसा सब होता है हमारे वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मेरे भजे भी बन गए हैं और अभी मैं बना रही हूँ आमटी, जो स्पाइसी होती है और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। सबको ही मोस्टली मतलब ये पारंपरिक थाली में ये सबसे ज़्यादा फेमस है, पूरन पूरी और ये आमटी, सबको ये मतलब स्पाइसी होती है तो बहुत ही पसंद होती है। और अभी ये खाना बनाते बनाते किचन में तो इतनी गर्मी हो रही है कि पूछिए मत, ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी पर पसीने की नदियाँ बह रही हैं। गर्मी में ये सब बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी त्यौहार है तो बनाना तो पड़ता ही है। बिना मेहनत की तो पूरन पोई बनती ही नहीं है, उसे बहुत ही मेहनत लगती है, लेकिन साल में 2-3 बार तो बना ही लेते हैं। अभी मैं बना रही हूँ पूरन पोड़ी, आमटी को साइड में रख दिया है, अभी पूरन पोड़ी स्टार्ट हो गई है बनानी। और अभी उसके ऊपर घी लगा देंगे, ऐसे करके मैं अभी सारी पूरन पूड़ी बना लूँगी। तो अभी मेरी सारी पूरन पूड़ी रेडी हो गई है और मेरा जो आज का लंच है वो भी मैंने सब बना लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी आज की थाली रेडी है पूरी, जो बहुत ही टेस्टी यम्मी और दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। अब हम माँ बेटी भी हमारा लंच फिनिश कर लेते हैं, खाना तो बहुत ही यम्मी बना है, उनके पापा भी खाना खा के ऑफिस चले गए हैं, हमें माँ बेटी रह गए थे, तो अब हम भी हमारा फिनिश कर रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही बिज़ी रहा और मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से गांव में पेड़ के नीचे झूला झूलते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ तो कुछ झूला मतलब बाहर पेड़ नहीं है, झूला नहीं बांध सकते, तो मैंने घर का ही जो बालकनी में झूला था वहीं पर ही झूला झूल रही हूँ। और मम्मी ने जो बोला था बचपन में वो सुना था, तो आज मैंने बोला चलो उस तरह से मैं भी वो झूला झूल लेती हूँ, और आज का मेरा दिन ऐसे ही बीता।
जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।